देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। काफ़ी दिनों के बाद, या यूं कहें डॉक्टर सिंघल के परिवार की रिपोर्ट आने के बाद, यह पहला मौका है। मैं जिस गली में खड़ा हूं, यह रीवा का सबसे पुराना इलाका है। यहां अब आप देख रहे होंगे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई है। यहां पर एक घर आप देख रहे होंगे, इस घर में रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला को कोरोना पाया गया। कोरोना, जी हाँ, उनके बारे में बताया जा रहा है। वो ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से ग्रस्त थी, लगातार घर पे रहा करती थी। इस मोहल्ले के रहने वाले लोग साफ तौर से कहते हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से उनको नहीं देखा था। उनको किस तरीके से कोरोना वायरस से वो संक्रमित हुई, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस मोहल्ले के लोगों के बीच में तैर रहा। प्रशासन ने क्वारंटाइन करने की एरिया की लगभग तैयारी पूरी कर दी है। इस फिलहाल रोड में सन्नाटा है चारों तरफ, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी वाहन आ जा नहीं रहे। सन्नाटा, गली में सन्नाटा अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि इस एरिए में कोई गंभीर वारदात हुई है। गंभीर वारदात आज के दौर में कोरोना से बेहतर कुछ नहीं हो सकती। माना जा सकता है कोरोना वायरस ने रीवा शहर के उन गलियों में अपने पांव पसार लिए हैं जिनमें आमतौर पर माना जा रहा था यहाँ पर इस तरीके की बीमारी नहीं आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा इस गली के एक हिस्से में, यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग खड़े हैं, बहुत ही कम लोगों के चेहरे पे मास्क है। अभी भी लोग ये साफ तौर से, जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल आ रही है आप देख रहे होंगे, इनके चेहरे पर किसी भी तरीके का मास्क नहीं है। सीधा सा मतलब है, अभी भी यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस इस मोहल्ले में आ चुका है। अपने आप में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढने के लिए अब लोगों को बरसों लगेंगे। अब देखना है जिस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार आवाजाही कर रहे थे, आज प्रशासन यहाँ पर इस एरिया को क्वारंटाइन करने के लिए रात को ही उनका, जब वो इलाज के लिए अस्पताल गई थी वहाँ पर उनका टेस्ट हुआ, उनके कमर की हड्डी टूट गई थी, उस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव पाते ही उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है, उनके परिवार में 5 लोग और हैं, सबका सैंपल लिया गया है, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। एक महिला के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, उस तरीके से माना जा सकता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, माना जा सकता है स्थितियाँ काफ़ी भयावह हो सकती हैं अगर लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर रहने वाले, इस मोहल्ले में लगातार काफ़ी दिनों से रहने वाले यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे वो महिलाओं को इसके पहले उन्होंने कब देखा, इसके पहले आपने उनको कब देखा था? करीब 4 महीने पहले देखा, 4 महीने से तो देखा ही नहीं। इस मोहल्ले में जैसे उनके परिवार में काफ़ी लोग रहते थे, तो उन लोगों के परिवार में कितने लोगों को लगता है कि आप लोगों ने उनके संपर्क में आए होंगे, इस मोहल्ले के कितने लोग संपर्क में आए होंगे? अब ये मोहल्ला है तो मोहल्ले में तो सभी लोग संपर्क में आते हैं, हमारा, हम तो डॉक्टर हैं, तो जब हमारे पास कोई आएगा तभी हम संपर्क में आएंगे, बाकी तो मोहल्ला है, एक दूसरे से लोग मिलते ही रहते हैं। शहर का सबसे पुराने मोहल्लों में से एक है। यस, यहाँ पर काफ़ी लोग बगैर मास्क के टहल रहे हैं, माना जा सकता है उनके चेहरे पे मास्क नहीं, तो क्या ये माना जाए कि वो ये मान चुके थे कि हमारे एरिया में कोरोना जैसी बीमारी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकते कि उनके एरिया में बीमारी नहीं है। बीमारी तो कभी कहीं कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, इसलिए एहतियात तो करना चाहिए, आदमी को मास्क तो लगाना चाहिए। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि अब इस एरिया के लोगों को, खासतौर से इस एरिया के लोगों को थोड़ा और सावधानी बरतनी चाहिए? थोड़ा सावधानी और बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंशन रखना चाहिए, थोड़ा दूर से बात करनी चाहिए। जी हाँ, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, कोरोना वायरस से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना। सबसे, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ली तो माना जा सकता है कि आप इस बीमारी से अछूते रहेंगे। मास्क लगाना तो अनिवार्य है ही, और वो तमाम तरीके की एहतियात आपको बरतने चाहिए जिस तरीके की एहतियात बरतने की डॉक्टर सलाह देते हैं। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ।